इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर हमें मिल रही है, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की समस्याएं घटने का नाम ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार उनको बड़ी राहत देने का दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि आपदा से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और किसानों को मुआवजा देने में प्रदेश सरकार की पहल के बावजूद अधिकारी लगातार निरंकुश रवैया अपनाए हुए हैं। वहीं आज मोदी मंत्रिमंडल के चार मंत्री अनंत कुमार, रामकृपाल यादव, नितिन गडकरी, हरिभाई चौधरी ये यूपी के आगरा, मेरठ और अलीगढ़ के दौरे पर आएंगे और किसानों की समस्याओं को भी इस बीच सुनेंगे। तो दूसरी ओर आरएलडी नेता और पूर्व सांसद जयंत चौधरी भी लखनऊ में पार्टी नेताओं से 4 बजे किसानों की समस्या को लेकर मुलाकात करेंगे। तो इस बीच हर सियासी पार्टी किसानों को लेकर चिंतित नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो हर कोई अपनी तरफ से कवायद कर रहा है किसानों की परेशानियों को जानने का, समझने का और उनको दूर करने का, लेकिन तब भी किसानों की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जो किसानों के आत्महत्या के मामले हैं वो लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, उन पर भी विराम नहीं लग रहा है। हालांकि इस बीच सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वो किसानों के हमदर्द है और लगातार उन्हें किसानों की चिंता है, वो किसान के प्रति सतर्क है और उनकी समस्याएं दूर करने का भरपूर प्रयत्न कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें आज मोदी मंत्रिमंडल के चार मंत्री अनंत कुमार, रामकृपाल यादव, नितिन गडकरी और हरिभाई चौधरी आज यूपी के दौरे में है और यूपी में आगरा, मेरठ और अलीगढ़ में दौरा करेंगे और वहां पर किसानों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं वो उलझती ही जा रही हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, ऊपर से बेमौसम बारिश और आपको बता दें कि जो अभी ओलावृष्टि हुई थी उससे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन सुर्खियों में है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है, आज केंद्र सरकार के चार मंत्री यानी कि मोदी के मंत्रिमंडल के चार मंत्री आ रहे हैं, दौरा करेंगे, क्या लग रहा है कितना प्रभावी होगा यह दौरा किसानों के लिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो ये समस्या है, किसानों की समस्या है, जो कि एक पूरे प्रदेश में मुंह बाए खड़ी हुई है और जिससे पूरा उत्तर प्रदेश का जूझ रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दौरे हो रहे हैं, सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, आंकड़े बनाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हकीकत देखी जाए तो थोड़ा सा अलग है। आपको बता दें, जैसा कि जब इसे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले घोषणा की कि 200 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों में बांटा जाएगा, उसके बाद काफी उस हंगामा किया गया, तब जाके कुछ किसानों के पास मुआवजा पहुंचा, वो भी तमाम इस तरीके की खबरें आई कि जो उचित मुआवजा है, जो एक तरह से जो सर्वे का काम किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया गया जा रहा है। आपको बता दूं, अभी तक लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 35 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं किसानों की। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने घोषणा की कि वो 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपनी निधि से फिर किसानों में बांटी जा रही है। आपको बता दें, याद होगा आपको कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, तो उस समय अगर वाकई राज्य सरकार जो किसानों के लिए गंभीर है तो उस समय सबसे पहले इस मामले को प्रमुखता से उठाना चाहिए था केंद्र से, जैसा कि राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र से अभी उसे कोई सहयोग नहीं मिला। उसी समय यह तय हो गया था, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा था कि वो अपनी एक केंद्रीय टीम भेजेंगे, एक टीम जाएगी जो सर्वे करेगी और सर्वे के बाद जो भी उनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो मामला निकल के आ रहा है, अभी तक सिर्फ सर्वे किए जा रहे हैं, अभी तक कुछ निकल के एक जो ठोस पहल होनी चाहिए वो सामने नहीं आ रही। जहां राजनीति की बात कर रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री आज दौरे पे हैं, वो आगरा, अलीगढ़ और मेरठ पे दौरा करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट जाके केंद्र को देंगे, उसके बाद केंद्र कब तक की राशि जारी करता है वो अलग बात है। आप दूसरी तरफ देख लें कि जो उत्तर प्रदेश की वाकई जो पार्टियां हैं, बाकी जो राजनैतिक पार्टियां हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी कोई न तो किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरता हुआ दिख रहा है, ना तो किसी का कोई आंदोलन करना शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों के बीचों में जो किसान है वो काफी परेशान है और किसान मारा जा रहा है। जी जी,
मनीषा, लेकिन जब राज्य सरकार से इस मामले में बात की जाती है तो सरकार की जो है वो सबसे पहले किसानों के हितैषी दिखती है। अगर बात की जाए तो किसानों के लिए बहुत प्रकार की योजनाएं चला रही है, कामधेनु योजना, किसान मार्ट और बहुत सी ऐसी योजना है जिनमें किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने की बात करती है राज्य सरकार, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ओलावृष्टि, यहां तक कि मनीष उन्होंने इस वर्ष को किसान वर्ष भी घोषित कर दिया है राज्य सरकार ने, लेकिन जिस तरीके से किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है, क्या लगता है कितना और अधिक गंभीर होने की जरूरत है यूपी सरकार को, या वास्तव में ये सिर्फ वोट बैंक का खेल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की, उसके जो सुप्रीमो है मुलायम सिंह, उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था, किसानों की समस्याओं के लिए गंभीर होते थे। किसान वर्ष घोषणा की गई कि तमाम कामधेनु योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस तरह के कोशिश की जा रही है, घोषणाएं की जा रही हैं, जिसका अभी हमारे पास कोई ब्यौरा या रिकॉर्ड नहीं है जिसे हम बता सकें कि उसे किस हद तक किसानों को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर वर्तमान स्थिति में देखी जाए तो सबसे गंभीर समस्या जो किसानों की भारी ओलावृष्टि की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसे है। आप देख लीजिए कि जो अभी तक जो भी किस्त क्या प्रयास किए गए हैं, अभी जब कल ही यहाँ बैठक की, शासन स्तर के अधिकारियों से जब बात की गई, जिले के मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से बात की गई, तो ये चीजें सामने निकल के आई कि वास्तव में मुआवजे की राशि अभी भी उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को छोड़ के, जो सारे मुद्दे उनको दरकिनार करते हुए, उत्तर प्रदेश को सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले वो किसानों की समस्याओं से निपटे, किसानों को राहत पहुंचाए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे गंभीर स्थिति है, जो सबसे भयावह स्थिति है, वो किसानों के बीच बनी हुई है। लगातार किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक ठोस पहल करनी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार पे को दोष दिया जाए, ना तो किसी अन्य चीजों पे दोष दिया, कड़ाई से इस पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कड़ाई से पेश आना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा राहत वो किसानों को पहुंच सके। और राज्य सरकार को इसके लिए सारे जो उसके, चूंकि कई और उनकी प्राथमिकताएं हैं, सारी प्राथमिकताओं को छोड़ के सबसे पहले प्राथमिकता ये तय करनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां भी मीडिया के माध्यम से या विरोधी पार्टियों के माध्यम से जब हंगामा शुरू किया जाता है, तो उसके बाद फिर एक बयान आ जाता है या एक घोषणा कर दी जाती है कि हम इतनी धनराशि और दे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस गंभीर विषय पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और राज्य सरकार को थोड़ा और गंभीर होने की जरूरत है इस किसानों के मुद्दे। बिल्कुल मनीष, राज्य सरकार को थोड़ा और गंभीर होने की जरूरत है। ये तो बात हुई राज्य सरकार की, लेकिन अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो आज मोदी मंत्रिमंडल के 4 वरिष्ठ नेता यहाँ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर, अलीगढ़, मेरठ और आगरा का दौरा करेंगे। क्या लगता है सिर्फ यहाँ के किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, या क्या सिर्फ यही दौरा, इतने क्षेत्रों का दौरा ही काफी रहेगा किसानों की परिस्थितियों को समझने के लिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के करीब 35 जिले अभी तक प्रभावित हैं, जिसमें राज्य सरकार ने भी आंकड़े केंद्र सरकार को भेज दिए हैं कि करीब 50% से अधिक फसलें उनकी खराब हो गई हैं। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं, लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सिर्फ इन 4 जिलों के दौरे पर क्या वास्तविक स्थिति समझ पाएंगे केंद्र के ये मंत्री। उन्हें ये छोटा सा दौरा एक रखा गया है, हमें लगता है कि ये सिर्फ एक जो उनका प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र को भी इस मामले में गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि जहां जो सीधे लोगों के लाभ से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जो जनहित का मुद्दा होता है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो केंद्र सरकार को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो, जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उसमें ये आरोप राज्य सरकार पर लगाया गया कि उनके पास पर्याप्त धन होते हुए भी उनके 5,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं अभी भी राज्य सरकार के पास, जो अभी किसानों को नहीं दिए जाने हैं, उसमें से किसानों को मुआवजा बांटा जाना चाहिए। तो फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करके सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि इन किसानों को फायदा पहुंचे। और जहां तक
इन चार जिलों पे दौरा करके पूरे प्रदेश के 35 जिलों की स्थिति का आकलन करना की कोशिश की जा रही वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में गंभीर है और सोच रही है तो निश्चित रूप से उन्हें अन्य कुछ और जिलों में दौरा करनी चाहिए, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा को सबसे ज्यादा घोषित किया कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, तो उन्हें ऐसे जिलों पर भी कोशिश करनी चाहिए और जाके वास्तव में हकीकत जाननी चाहिए कि कितना किस हद तक जो राज्य सरकार बता रही है कि 50% तक फसलें नष्ट हो गई हैं, क्या 50% तक ही फसलें नष्ट हुई हैं कि जमीनी हकीकत कोई और है, वास्तविक कोई स्थिति कोई और है, तो थोड़ा इसे उन्हें भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल मनीष, जिस जो किसान है उनकी समस्याएं नहीं थम रही हैं, उनकी आत्महत्या का जो सिलसिला है वो भी नहीं थम रहा है। ऐसे में अभी जब मथुरा में एक उग्र आंदोलन किया था, किसानों ने प्रदर्शन किया था, मथुरा हाईवे भी जाम लगाया था, उसके बाद आज जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे दौरे पर आ रही है और इसी बीच राज्य सरकार भी अपने अपने दावे कर रही है, तो कुल मिलाकर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला केंद्र और राज्य के बीच लगातार चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पर आरएलडी के नेता या पूर्व जो सांसद हैं जयंत चौधरी, वो भी आज लखनऊ आ रहे हैं और पार्टी कार्यालय में यहाँ पर वो लोगों के साथ किसानों की समस्याओं पर वार्ता भी करेंगे। उनकी इस मीटिंग को हम किस आधार पर लें? देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक जयंत चौधरी के आज लखनऊ पहुंचने का मामला है तो एक सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि इतने दिनों से, पिछले एक महीने से ये समस्या चली आ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सारी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टी उसे उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाने के लिए किसानों की समस्याओं को लेके वो जागरूकता रैली निकालने की तैयारी में की है, तो जयंत चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक उत्तर प्रदेश में आखिर क्या वजह रही है कि इस मुद्दे को लेके अभी तक उनका ना तो कोई बयान आया, ना तो उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई आंदोलन करना शुरू किया, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे हितैषी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मानी जाती है जो किसानों की ही राजनीति करती है, और इसका इतिहास अगर उठा के देखें तो किसानों की राजनीति करते ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री तक की कुर्सी मिली। तो फिलहाल सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, जो चूंकि कहीं भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके अलावा प्रदेश के विकास के लिए उसके विपक्ष विपक्ष में जो पार्टियां होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है, उनकी भी जवाबदेही होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में अगर पार्टियों की बात करें तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, यही दो पार्टियां ऐसी हैं जो अब तक चुप्पी साधी हुई हैं। अब फिलहाल 4 बजे आके जयंत चौधरी किस तरीके की रणनीति बनाते हैं, किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए राज्य सरकारों से किस तरह की मांग रखते हैं, ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा बता पाने में, लेकिन निश्चित रूप से जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरे हैं। फिलहाल आज उनका दौरा है, दौरे के बाद ये उम्मीद की जा रही कि हो सकता है जयंत चौधरी भी इस तरह से कुछ किसानों के फायदे के लिए कुछ आंदोलन या किसी का ऐलान करें या कोशिश करें राज्य सरकारों से वार्ता करें। फिलहाल इनकी भी एक जवाबदेही बनी हुई थी जो कम से कम इन्हें भी कोशिश समय रहते वक्त रहते कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वक्त रहते अगर इस मामले को मीडिया ने या विपक्ष ने या और लोगों ने उठाया होता तो 300 से 500 करोड़ रुपए किसानों में बंटने की बात कही जा रही है, शायद वो भी निकल के नहीं आती। तो निश्चित रूप से उनकी भी इस पूरे मामले में, इस मुद्दे को लेके राष्ट्रीय लोकदल की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अपने सही तरीके से नहीं निभा रहा है। जी जी मनीष, जिस तरीके से आपने बताया, हमने तीनों जगह की बातें की, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर आरएलडी नेता जो जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं आज, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही दिख रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं ही दिख रही हैं, जमीनी स्तर पर कोई क्रियान्वयन नहीं दिख रहा है। मनीष, काफी देर से मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है, जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो किसानों के प्रति बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनने को मिलती हैं, युवाओं के प्रति बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लगातार चर्चा में रहती हैं, विधानसभा में हंगामे भी होते हैं लगातार, फिर भी जो क्रियान्वयन धरातलीय स्तर पर कार्य देखने को नहीं मिलता है, क्या वजह है? क्या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति में है, वोट बैंक की राजनीति की वजह से है, चर्चा में बने रहने की वजह से है, या सिर्फ वास्तव में सांत्वना और सहानुभूति रखती है राज्य सरकार किसानों से? देखिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो सहानुभूति है वो निश्चित रूप से किसानों के साथ है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी होती है, दिखाई दे रही है
कि आप ये सोच सकते हैं कि जहां जिस राज्य में 5-5 हजार करोड़ के घोटाले हो सकते हैं, तो कहां जहां किसानों जो किसान जो हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों को कि कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, तो क्या उनके लिए राज्य सरकार के पास या मुख्यमंत्री राहत कोष में क्या कोई धन की कमी है जो 300 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं? और घोषणाओं के बाद भी, जैसा कि अभी हम कल कार्यक्रम में जो हमारी मुहिम चल रही है के न्यूज में, उसमें कल निकल के तमाम सामने आए, तमाम जिलों से कॉलर्स ने कॉल किया था जिसमें बताया था कि जमीनी हकीकत कुछ और है, मुआवजे नहीं मिल रहे हैं और बाकी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं अलग हैं। कुछ अगर देखा जाए उन आंकड़ों के अलावा तो भी अन्य भी कुछ मामले हैं जो दबे हुए हैं, जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं शासन को रिपोर्ट सही ढंग से नहीं भेज रहा है, मुआवजे को बांटने का जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गंभीर होना चाहिए, राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए जो किसानों का दर्द है, जो किसानों का जख्म है, पहले उस पर मरहम लगाया जाए, उसके बाद चाहे वो साइकिल ट्रैक का निर्माण हो या पार्कों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं, उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भूमिका भी इसमें सही ढंग से अगर देखी जाए, किसानों की तरफ जो राज्य सरकार का रवैया है वो भी सही नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त है, जल्द कुछ ही समय बचा है, 2017 में विधानसभा चुनाव है, तो अगर इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2017 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसका परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी।